औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट पाकिस्तान स्ट्रीट स्मार्ट की तरफ से मकबूल अहमद आपको खुशामदीद कहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पाकिस्तान स्ट्रीट स्मार्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साइड में दिए हुए जो बेल आइकन होता है उस पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिल सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को, एक और रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को आखिर तक प्लीज़ ज़रूर देखें। आपसे इसका आपका कुछ नहीं आएगा, भाई का भी भला हो जाएगा इससे। आपको बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी इसके अलावा, और लाइक तो करना है, थम्सअप तो करना है आपने, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बैकपैक जो होता है, वो जो लैपटॉप वगैरह हर जगह की ज़रूरत है, आराम से भाई लैपटॉप लेके जा रहे हैं, कहाँ पर हाथों में लेके तो नहीं जा सकते ना, कोई बैग तो होना चाहिए। और बैग जो हो वो बाकायदा के बने, आपके हैंगिंग वाला हो तो क्या ही बात है। तो वो जो बैग होता है, वो जो हैंगिंग वाला बैग होता है, वो आप बआसानी आप नॉर्मल स्कूल के यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल लैपटॉप के लिए यूज़ नहीं करना तो स्कूल में की कोर्सेज की किताबें वगैरह भी रख सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट वगैरह में आराम से यूज़ कर सकते हैं आप इसको। आप अपने ऑफिस में ले जा सकते हैं लैपटॉप वगैरह के लिए, है ही लैपटॉप का बैग, तो ऑफिस वगैरह में बआसानी ले जा सकते हैं। और ख़ासकर उनके लिए बहुत आसानी है जो बाइक राइडिंग वगैरह करते हैं, जिनका काम बेचारा आउटडोर का भी काम है, वो भी एक ये भी उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरी दुआ है कि भाई अल्लाह ताला आप सबको अपने हर ऑफिस से रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को ड्रेस में बरकत अता फरमाएँ। तो आपको मैं ये बैग दिखा देता हूँ। ये बैग बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये नाम है इसका लेनोवो बैग है। ये इसका टैग आपको नज़र आ रहा होगा, ये टैग लिखा लेनोवो लिखा हुआ है, सही है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसका जो स्टफ़ है ये पैराशूट में है, और पैराशूट जो है वो नॉर्मल पैराशूट नहीं है, ये नॉर्मल पैराशूट नहीं है। आप इसमें देखें, इसमें डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। ये बहुत कम ये बैग जो है ना इस तरीके के स्टफ़ में मिलते हैं और बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इसका मैं आपको पहन के भी दिखा देता हूँ। ये पीछे इसकी हैंगिंग भी है, इसमें ये छोटा सा क्लिप भी दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको यूँ करके भी हैंग कर सकते हो शाहरुख खान की तरह। और सेकंड ये कि आप इसको यूँ करके पकड़ भी सकते हैं, अगर कहीं आप ना हैंड कैरी वगैरह जहाज़ वगैरह में कहीं में लेके जा रहे हैं, आप हैंड कैरी में बआसानी यूज़ कर सकते हैं इस बैग को। आप इसको आराम से इसको कैरी भी कर सकते हैं, इसको बैट ईजी टू कैरी है, ईजी टू मूव है, ईजी टू यूज़ है, ठीक है। आप इसको यूँ करके पहने, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, आराम से फिट हो गया है, आराम से कम्फर्टेबल है। आप इसको देखें, आप बैक साइड में भी देखें, बैक साइड से कैसा लगता है ये आपको नज़र आ रहा होगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बैग पसंद आया होगा। अभी फिलहाल ये पूरा नहीं दिखाया, मैं आपको पूरा और भी दिखा रहा हूँ भाई, अभी और भी चीज़ें बाकी है, बंद नहीं करिएगा भाई। जाने से पहले भाई अभी देख लेंगे इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। भाई देखें, ये जो है ये इसमें पॉकेट्स हैं कितनी है, 1, 2, 3 पॉकेट्स का बैग है। 4 और 5 वो साइड की पॉकेट्स हैं जिसमें आप पानी की बोतल वगैरह रख सकते हो, अपने बहुत सारी चीज़ें छोटी चिप्स वगैरह जो भी आप जो भी चीज़ें हैं वो सब रख सकते हैं बआसानी। ये साइडों की पॉकेट है, ये भी देखें, साइडों की पॉकेट में भी दो ऑप्शन है भाई। साइड की पॉकेट में आप अपने चश्मा वगैरह रख सकते हैं, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साइड की पॉकेट है, ये चश्मा वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे पानी की बोतल रख सकते हैं, इस साइड पे ये नेट वाली साइड है, इधर पानी की बोतल रख सकते हैं, अपने मास्क वगैरह जो आजकल चल रहा है भाई, कोरोना बराए नाम कोरोना, मगर ये कि रख सकते हैं यहाँ रुमाल वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं, टिश्यूज़ वगैरह सब चीज़ें, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह सब इधर रख सकते हैं, इसमें बआसानी आ सकता है, हैंड वॉश वगैरह सब चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा दूसरी साइड भी सेम यही चीज़ दी गई है, इसके अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, टूथब्रश रख लें, टूथपेस्ट रख लें, कैचअप रख लें, कुछ भी रख लें भाई, कैचअप वाला रखिएगा, वो शाशे पैक वगैरह की बात कर रहा हूँ यार, आपने पता नहीं कहाँ चले जाओगे यार कैचअप वगैरह, या कहाँ लेके चला गया हम लोगों को, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें भी सेकंड ऑप्शन ये नट वाले में भी है, पानी की बोतल वगैरह और कुछ और भी रख सकते हो, बच्चों की फीडर भी रख सकते हैं भाई यहाँ पे। नाराज़ नहीं होना भाई, मैं ऐसे ही बोलता रहता हूँ, आदत हो गई है। सेकंड ये है कि इसके अंदर जो है ये आप देख सकते हैं, ये बैग है, इसमें थ्री मैंने आपको बता दिया था, ये 1, 2, 3 पोर्शन जो है ना वो मेन है इसके। सबसे पहले वाला जो पोर्शन है ये आपका स्टेशनरी बॉक्स वगैरह है, ये भी काफ़ी गहरा है, आप देखें इसको, एक मिनट कहाँ जा रहा हो भाई, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा बआसानी, ये अंदर तक नज़र आ रहा है आपको। लोग कहते हैं यार अलग से वीडियो बनाओ यार, इसको देखने में प्रॉब्लम होती है हर किसी को, और सही से बोले प्रॉब्लम तो होती है ना यार बेचारे। ये आप देखें कितना गहरा है, इसमें आप 54 अठन्नियाँ भी रख सकते हैं। इसके अलावा अपने क्या बोलते हैं मोबाइल्स वगैरह भी रख सकते हैं इसके अंदर, आप अपना इसके अंदर क्रेडिट कार्ड वगैरह पर्सेस वगैरह अपने जो अपने साइड पॉकेट्स वगैरह के में होते हैं वो वाले पर्स वगैरह रख सकते हैं इसमें आप,
बेशुमार चीज़ें रख सकते हैं, स्टेशनरी वगैरह रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बआसानी आप इसको कैरी कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरे वाले में दो आप इसकी ज़िप देखें और इसकी स्टिचिंग वगैरह देखें कितनी ज़बरदस्त है, ज़िप अलग से नज़र आ रही है आपको और बड़ी ज़बरदस्त मजबूत किस्म की ज़िप है, स्टफ बहुत ज़बरदस्त यूज़ किया गया। और इस बैग के साथ इस वाले पोर्शन के अंदर दो ज़िपें दी हुई हैं, इस वाले पोर्शन में और लास्ट वाले पोर्शन में दो ज़िपें एक साथ दी हुई हैं, ठीक है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन देखें, ये देखें आप बआसानी आप इसको देखें, इसको पूरा खोल के दिखा देता हूँ, ये मैंने पूरा खोल के दिखाया है आपको। और इसका फॉर्म देखें यार, इसका स्टफ़ देखें कितना ज़बरदस्त है यार। और इसमें भी देखें, इसमें भी लेनोवो नज़र आ रहा है आपको, ये देखें कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, कितना खूबसूरत है। और फॉर्म देखें आप इसका, ये फॉर्म देखें इसका, ये फॉर्म भी बहुत ज़बरदस्त है। ये जो लैपटॉप के बैग्स होते हैं ये उनको डैमेज होने से बचाने के लिए होते हैं, और लैपटॉप वगैरह डैमेज ना हो, जो भी चीज़ इसके अंदर हो डैमेज ना हो, तो इसका बहुत ख्याल रखा जाता है इसको। तो आप इसको देखें, भीड़ भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अंदर यहाँ पे मोबाइल भी रख सकते हो, आप इसके अंदर स्टेशनरी वगैरह रख सकते हो, पेन वगैरह रख सकते हो, पेंसिल रख सकते हो, रबर रख सकते हो, स्केल रख सकते हो, फुट्टा रख सकते हो, सब चीज़ें रख सकते हो भाई, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। छोड़ो ना यार समझाने, हर बार समझाना पड़ेगा तुम लोगों को यार, क्या हो गया यार, कहाँ चले जाते हो तुम लोग, फौरन माइंड जो है ना सबका कहीं और निकल जाता है, मुझे पता है सबका माइंड कहीं ना कहीं निकला हुआ होगा। ये इसका लास्ट पोर्शन है, यहाँ तक तो मजाक हो गया, कोई बात नहीं, इसके लिए माजरत है, अगर किसी को दिल आ रही है तो माजरत है। तो मैं आपको ये बता दूँ, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए, ताकि लोग बोर ना हो जाएं। ये इसका लास्ट पोर्शन है, और ये लास्ट पोर्शन देखें बहुत ज़्यादा जो है, ये देखें कितना मोटा है, ये ताफ्तान होता है ना शेरमाल का, ताफ्तान कितना मोटा होता है, ये ऐसा ही है, शेरमाल ताफ्तान वगैरह होता है ना मोटा, जो नान वगैरह होता है मोटे वाले नान होते हैं, अफगानी नान होते हैं, या फिर शेरमाल तो पतला होता है, ताफ्तान जैसा इतना मोटा, मगर सॉफ्ट नहीं है भाई, ये हार्ड है, ये हार्ड ऐसा है जैसे वो क्रिकेट के जो LBW के जो पैड वगैरह होते हैं ना, जो पहने होते हैं बैटिंग पैड वगैरह होते हैं, वो वाले पैड्स जो है ना, क्रिकेट के पैड की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट के पैड जो होते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ, जो ये पहने होते हैं, तो वो जो है ना, समझिए आप लोग किस तरफ जा रहे हो, समझिए। तो ये उस स्टफ़ का बना हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त है, उसमें लैपटॉप वगैरह डैमेज होने का ख़तरा नहीं है। अच्छा आप इसको देख सकते हो, इसमें आप देखो ये इसके रैग, इसकी ये पैराशूट अंदर कितना खूबसूरत दिया हुआ है, और अंदर के इंटीरियर आप देखो यार कितना ज़बरदस्त है यार, इंटीरियर देख के तो मैं पागल हो गया था, ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त इंटीरियर है इसका। यहाँ पे आप अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन मैंने बताया था आपको, दिखाया, हाँ इसमें यहाँ पे, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, ये तो सही है, इसमें आप डॉक्यूमेंट भी रख सकते हो, इसमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट रखने की जगह भी है, यहाँ पे आपका आईपैड वगैरह और भी चीज़ें रख सकते हो। आप अगर कहीं बल्कि आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो तो वहाँ पे आप अपने कपड़े वगैरह ले जाओ, डॉक्यूमेंट सब भी रख लो, कपड़े भी रख लो, सब चीज़ें इसमें, एक एक सूट मतलब ये भर के नहीं लेके जाना है, सिंपल जो है मतलब आपके आप कितने दिनों को ले जाते हो भाई, अगर ऑफिस टूर के लिए जाते हो तो कितने दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन, एक हफ्ता, तो हफ्ते के लिए तो यार कुछ और ही स्विफ्ट केस होगा ना, ये तो हैंड कैरी के लिए बस यार, ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत हल्के हो जाओ यार, बहुत ज़्यादा हो गया तुमने। तो सेकंड ये कि इसके अंदर जो है ये कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है यार, ये इंग्लिश में कुछ है यार इसका, ये इन्होंने पूरा दिया हुआ है भाई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह आले के चाइना से बनकर आते हैं, इसमें सारी की सारी डिटेल वगैरह दी हुई है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जिसको मिलेगा वो पढ़ लेना भाई, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इसकी पूरी डिटेल वगैरह दी हुई है इसके अंदर कि कहाँ से बना, इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें कोई वारंटी वगैरह नहीं है भाई, इसमें वारंटी लिखी हुई है, अलग होती नहीं है, आपको पता है ना यहाँ पे हमारे यहाँ पे पाकिस्तान वाले मैं जो है ना वारंटी के नाम पे जो है ना वो आग लग जाती है, जब वारंटी क्लेम करने जा रहे हैं ना आग लग जाती है, तो कोशिश करें कि चीज़ ऐसी लो जो है ना क्या बोलते हैं वारंटी क्लेम करने की ज़रूरत ही ना हो, तो उसमें ये चीज़ बेस्ट है। तो लैपटॉप वगैरह आप इसमें आराम से रख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसको आप अपने यूज़ में भी किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, किसी को आप चाहो तो सेल कर सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, अगर हम लोग ना बोलते तोहफे तहफे जिसको देना शुरू कर देना यार, अल्लाह ताला जो है ना, ये तो फिर भी महंगी चीज़ है, एक हल्की सी मुस्कुराहट भी दे देते ना, वो भी सदका जारी है मेरे दोस्त, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने पोशीदा रखी हैं, क्या मालूम एक मुस्कुराहट से किसी का दिल बहल जाए, किसी का दिल खुश हो जाए, तो ऐसे काम कर लेने चाहिए, सदका जारी हो जाता है। तो सॉरी बहुत आगे चला गया, सॉरी यार भाई यार ये मेरा अगला बयान जो है ना वो क्या बोलते हैं
अगला बयान आगे है, तो सॉरी टू दे। तो अब तक के लिए इतना ही, आपको अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, YouTube के कमेंट्स के अंदर जो नीचे जो दिए हुए होते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और अब तक के लिए इतना ही, अब तक मुझे इजाज़त दीजिए, मकबूल अहमद को इजाज़त दीजिए, आपके होस्ट को, पाकिस्तान स्ट्रीट स्मार्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ये वीडियो आखिर तक देखनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।